देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड है आपका रिलेक्टेंट, RELUCTANT, रिलेक्टेंट। क्या अर्थ और मतलब होता है? हिंदी इंग्लिश दोनों में इस वर्ड को समझते हैं, सेंटेंसेस में यूज करके देखते हैं, साथ ही साथ इसको सिनोनिम्स भी देखते हुए चलेंगे। देखिए, रिलेक्टेंट बोलते हैं समवन नॉट वांटिंग टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ नॉट श्योर टू डू इज राइट। मतलब कोई ऐसा पर्सन के बारे में बोलते हैं जिनको खुद पे भरोसा नहीं होता है और शशोपंज में रहता है कि ये करना सही होगा या गलत होगा, तो इसकी वजह से वो उसकी ख्वाहिश नहीं होती है वो करने की, उसको हम रिलक्टेंट बोलते हैं, मतलब टाल मटोल करने वाला। ठीक है, एग्जाम्पल से हम सेंटेंसेस में जिसे बोलेंगे, छोटे छोटे सेंटेंस में आप पहले समझिए कि रिलक्टेंट टू गेट मैरिड, मतलब शादी के लिए अनिच्छुक, मतलब उनको ये लग रहा है कि शादी करे या ना करे, तो उसके लिए वो अनिच्छा जाहिर करता है। रिलक्टेंट टू एडमिट मिस्टेक्स, गलतियों को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक, मतलब गलतियों को स्वीकार ना करने वाला। इसी तरह से रिलक्टेंट टू टेल मी, मुझे बताने के लिए अनिच्छुक, हिंदी अर्थ होता है रिलक्टेंट का अनिच्छुक, अड़ियल, जिद्दी, बेदिल, नाराजामंद, मतलब जो तैयार नहीं की कोई चीज़ करने के लिए या करने के अनिच्छुक, उसको हम रिलक्टेंट बोलते हैं। सिनोनिम्स आते हैं इंग्लिश, अनविलिंग, ड्यूबियस, हेजिटेंट, रेजिस्टेंट, अफ्रेड, अनकॉन्फिडेंट एंड एटीसी, मतलब और भी इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। चलिए, बड़े बड़े सेंटेंसेस में इसको प्रैक्टिस के तौर पे यूज करते हैं। जैसे बोलेंगे, ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक, मतलब वो अपनी गलती स्वीकार करने में बहुत ही ज्यादा अनिच्छुक था। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका परहैप्स, शायद, शी इज रिलक्टेंट टू टेल मी ऑल दीज थिंग्स, मतलब वो मुझे ये सब बातें बताने से हिचक रही है या अनिच्छुक है, वो बताना नहीं चाहती है। इसी तरह से थर्ड में है, शी वॉज नॉट रिलक्टेंट टू गेट मैरिड, मतलब वो शादी करने के लिए अनिच्छुक नहीं थी, मतलब इच्छुक थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपने रिलक्टेंट शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम्पल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एजुकेयर डेस्क।